तो आप यहां हमारे गांव में दवाई की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? हाँ ठाकुर भान प्रताप सिंह जी, अगर आप हमारी मदद करें तो। माफी चाहता हूं वीर साहब, मैं ठाकुर भान प्रताप सिंह नहीं, मैं उनका साला वजीर सिंह हूं। जीजाश्री तो यूरोप गए हैं टूर पर। क्या चाल चली है तुमने भान प्रताप सिंह? अब कौन सा कानून तुम्हें संजीवनी के अपहरण का दोषी मानेगा? वाह वाह। भैया कौन है ये लोग? बहना ये एबी रे साहब है, हमारे खास मेहमान। मंत्री जी ने जीजा जी के लिए चिट्ठी लिखी है जिसमें गुजारिश की है कि इनकी खास मदद की जाए इस गांव में दवाई की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मामा जी आपके मेहमानों को यहीं खड़ा रखेंगे क्या? एक बार भी बैठने को नहीं कहा आपने। गलती हो गई आशा बिटिया, गलती हो गई, माफ कर दो। आइए रे साहब बैठिए, आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यंग लेडी। अब हम चलेंगे, इस गांव में कोई होटल कोई गेस्ट हाउस तो हो गई, हम वहीं ठहरेंगे। अगर आपको भान प्रताप सिंह मिल जाते बड़ी खुशी हो। सरकार सरकार, मैं मुनीम हूँ, ठाकुर साहब का सेवक। भगवान भला करे, उनका सारा काम मैं ही देखता हूँ। सरकार सरकार, आप हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान, और ऊपर से मंत्री जी ने चिट्ठी भी तो लिखकर भेजी है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान भला करे आप यहीं इसी घर में मेहमान बन के रहे। देखिए आपको यहां बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। अब यह तकल्लुफ छोड़िए, जीजा श्री ने यह हवेली बिल्कुल शहरों जैसी बनाई और हम कल ही फैक्ट्री लगवाने का काम चालू करवा देंगे। मालिक, अरे जमीन, मजदूर, सीमेंट, लोहा, स्टील, रेत, ये सब हमारे ठाकुर साहब की ही है। आप फिक्र ना करें, भगवान भला करे आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ। बस आप तो आराम कीजिए। रोटी ना बेटा, तुम्हें यहाँ रहना मंजूर है? यस सर। आई थी ना, मेरा नाम आशा है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी। फ्रेंड्स